हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शबानाज कुकिंग। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड चॉप। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं इसी तरह नए नए रेसिपी आपके लिए लाती रहूँगी। चलिए बनाते हैं ब्रेड चॉप। इसके लिए हमें चाहिए 4 स्लाइस ब्रेड, 4 पीस उबले हुए आलू, 4 चम्मच बेसन, 4 चम्मच मैदा, 2 हरी मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच कलौंजी, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, फूड कलर, तेल, नमक और पानी। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम बेसन डाल देंगे, मैदा डाल दें, कटी हुई धनिया पत्ती डाल दें, कटा हुआ पुदीना पत्ता, कटी हुई हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, नमक, फूड कलर, चाट मसाला, अजवाइन, कलौंजी, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह गाढ़ा घोल तैयार हो चुका है। अब हम इसे अलग रख देंगे। अब हम उबले हुए और मैश किए हुए आलू लेंगे, उसमें कटी हुई धनिया पत्ती, कटा हुआ पुदीना पत्ता, कटी हुई हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, नमक। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम ब्रेड के टुकड़े लेंगे, छुरी से इस तरह कट कर लेंगे। अब बनाए गए आलू के मिक्सचर को ब्रेड के ऊपर इस तरह लगा लेंगे और दूसरे ब्रेड को इस तरह रख देंगे इसके ऊपर। इसी तरह दूसरा ब्रेड भी आप तैयार कर लें। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और बनाए गए मिक्सचर में इस तरह कवर कर गरम तेल में डाल देंगे। दूसरे ब्रेड को भी इसी तरह बेसन में कवर करके गरम तेल में डाल देंगे। अब हम पलट लेंगे, आंच को तेज ही रखें। ये बहुत स्वादिष्ट रेसिपी है, आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। दोनों तरफ से उलट पलट कर अच्छी तरह तल लेंगे।
हमारा ब्रेड चॉप बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।